वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो बेसिकली आज का जो ब्लॉग होगा वो होगा वन ऑफ द हिडन लेक के बारे में, और जिसे हम सिंचन लेक भी बोलते हैं। हाँ, आपने बराबर सही सुना है, इसे सिंचन लेक भी बोलते हैं। आप अगर गूगल में डालोगे सिंचन लेक तो आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। बेसिकली ये सफाली विलेज में सिचुएटेड है एंड ये मुंबई से रफली अराउंड 80-85 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो ये हिडन लेक इसीलिए है बिकॉज बहुत से कम लोगों को इस लेक के बारे में पता है। एंड गाइस, जैसे ही आप वैसे ही क्रॉस करोगे आपको जो रोड्स मिलेंगे वो बहुत ही अच्छे, मीन्स यार बाजू के जो व्यूज है बहुत औसम है। एंड ऊपर से जो रोड है उसके अंदर पॉट होल्स नहीं कुछ नहीं, तो आपको ब्रेक यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं आएगी। एंड ऊपर से आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा एंड जो वेदर मिलता है ये रोड्स पे बहुत औसम होता है। सो गाइस, अभी हम सफाली विलेज जाने के लिए जो रोड है उस रोड पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ के रोड्स भी बहुत अच्छे हैं। मीन्स यार रोड देखो एंड आजू बाजू का नज़ारा देखो, दोनों साइड पे ट्रीज है, आगे ऐसे माउंटेन दिख रहे एंड ऊपर से ये फ्रेश एयर एंड ऊपर से ठंडा सा माहौल, लाइक बहुत मजा आता है गाइस ऐसे वेदर में एंड ऐसे कंडीशन में बाइक चलाने में। अभी हम पहुंच चुके हैं घाट वाले रोड्स पे, या फिर जिसे हम पहाड़ी रास्ता भी बोलते हैं, जो ट्विस्टी रोड्स होते हैं वो वाले सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी बाइक चलने में बहुत मज़ा आता है, जो ऊपर नीचे से जो ट्विस्टी रोड्स होते हैं मज़ा आता है यहाँ पे चलाने में। एंड एक रिक्वेस्ट है हर किसी से, प्लीज़ आप घाट या फिर जो ट्विस्टी रोड्स होते हैं और जिसे हम पहाड़ी रास्ता भी बोलते हैं, तो उस पर अगर आप कार चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो तो बेसिकली ओवरटेक तो गलती से भी ज़्यादा मत कीजिए। अगर ओवरटेक कर रहे हो तो एक नॉर्मल स्पीड पे करो एंड हॉर्न बजा के करो, ताकि आपके आगे वाले जो व्हीकल्स है एंड जो सामने से जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो पहले ही अलर्ट हो जाए। सो वो एक सेफ्टी होती है। सो पहली बात तो ज़्यादा ओवरटेक मत करो एंड ओवरटेक करो तो सेफली ओवरटेक करो, हॉर्न बजा के करो।
फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं शिनचैन लेक, या फिर जिसे हिडन लेक भी बोला जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे मुझे आने के लिए ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। सो गाइस आप देखो ये है कुछ लेक का ओवरव्यू। सो अब लेते हैं लेक का एक सिनेमेटिक शॉट। सो गाइस अभी हम लेके यहाँ से घर जाने के लिए निकल चुके हैं। ऑलमोस्ट हमें 8 बज गए बिकॉज हम वहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे स्नैक्स करने में। हमें पता ही नहीं चला कि कितना टाइम, बिकॉज यार इतनी ब्यूटीफुल प्लेस थी कि हमने रिलैक्स करने को ज़्यादा ही टाइम ले लिया। एंड ऊपर से अभी हम निकल गए तो वो भी सनसेट के बाद, तो आप देख सकते हो कि पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। मैं आप हर किसी से एक सजेस्ट करूँगा एंड हर किसी से हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप यहाँ पे आते हो प्लीज़ सनसेट होने से पहले ही यहाँ से आप निकल जाओ, बिकॉज आपको घाट वाला एरिया भी क्रॉस करना है। घाट वाले एरिया में रात के टाइम पे जाना थोड़ा डेंजरस होता है एंड ऊपर से बाइक की हेडलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि आपको अच्छा खासा यू नो व्यू दे आगे का या फिर अच्छा खासा लाइट थ्रो करेंगी। एंड ऊपर से घाट के सेक्शन में आप रात के टाइम पे ना ही जाओ उतना ही बेटर होता है। सो मैं हर किसी से सजेस्ट करूँगा प्लीज़ सनसेट होने से पहले ही यहाँ से पास ऑन हो जाओ। सो गाइज फाइनली हम एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुके हैं। सो गाइज लेट्स एंड द ब्लॉग, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड बाहर जाते टाइम जरूर आपका मास्क पहनिए एंड बी सेफ।